नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फॉर्मेंस चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक का सर्विस करके दिखाने वाले हैं, जिनमें दोस्तों हम इसके टापट वाल्व का क्लियरेंस सेट करेंगे, साथ में इसका ऑयल चेंज करेंगे और साथ में दोस्तों इसका एयर फिल्टर है इसको भी क्लीन करके दिखाएंगे। साथ में ही दोस्तों इसके रियर व्हील का चेन ड्राइव होता है इसको भी सेटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और साथ में ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारी चैनल पर आपको ऑटोमोबाइल की रिपेयरिंग रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों स्प्लेंडर प्लस बाइक का सर्विस का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो टापट को सेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ एक 10 नंबर का बोल्ट होता है ये वाला, इसको हमें ओपन कर लेना होता है, तभी जाके पीछे का जो टाइमिंग चेन का बारी है वो खुलेगा। तो इस तरफ में ये बारी है, आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे डिसमिस का जोर लगाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और ध्यान रखना है अगर ये इसका जो पैकिंग है ब्रेक हो जाए तो आपको नया डालना पड़ेगा, मगर इसमें आप देख सकते हैं कहीं ब्रेक नहीं हुआ है। तो दोस्तों वाल्व क्लीयरेंस को चेक करने के लिए या सिर्फ सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है टाइमिंग को मिलाने की। तो टाइमिंग को मिलाने के लिए जो टाइमिंग पॉकेट होता है हमारा टाइमिंग चेन का, इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं आप डॉट का निशान बना हुआ है, इस डॉट को यहाँ पर एक मार्क होता है खांचा छोटा सा, इसके साथ बिल्कुल सेम टू सेम मैच करना होता है एकदम ऐसे बिल्कुल लाइन में। और इसके बाद दोस्तों अपोजिट साइड में जाके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से स्पार्क प्लग को निकाल लेना होता है। और स्पार्क प्लग को निकालने के बाद यहाँ पर जैसे आप स्क्रू ड्राइवर को डालोगे तो आपको पिस्टन टॉप पे है वो मालूम हो जाएगा। और जैसे ही आपको इस स्क्रू ड्राइवर को रखने के बाद किक से थोड़ा सा भी मूव करेंगे तो यहाँ से आपको डिसमिस जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का सा होता हुआ दिखाई देगा। तो ये पिस्टन जो है बिल्कुल टॉप पर होना चाहिए, और जैसे मैंने अपोजिट साइड में आपको दिखाया टाइमिंग बिल्कुल डॉट के साथ मैच होना चाहिए। अगर आप चाहो तो कैप को पहले भी ओपन कर सकते हो और बाद में भी ओपन कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। दोनों कैप को आपको हटा लेना है और आपको ध्यान रखना है ऊपर का कैप आपको ऊपर रखना है, कहीं बदल ना जाए। ऐसे बदल भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जिसका जहां लगेगा तो ठीक रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉकर है टाइमिंग का, तो यहाँ पर आपको देख लेना है, अगर इसमें साइड प्ले है थोड़ा सा ऐसे हिल रहा है तो ये ठीक है। और नीचे दोस्तों थोड़ा सा इसमें हल्का सा ऊपर नीचे होना चाहिए तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा हल्का सा ऊपर नीचे प्ले का आवाज़ आ रहा है, मगर इसमें कुछ थोड़ा ज़्यादा सा ही प्ले हो चुका है तो इसको हम थोड़ा सेट करेंगे। और ऊपर में बिल्कुल दोस्तों अभी फिलहाल इसमें कम प्ले है मगर इतना थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो इसको सेट करना है और कुछ है नहीं। इसको थोड़ा सा साइड प्ले रखना है और इसको थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे रखना है। अगर आप चाहे तो इसमें 2 नंबर का गेज या 3 नंबर का गेज इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर स्प्लेंडर में क्या होता है, थोड़ा सा आप इसको नीचे वाले टापट को एग्जॉस्ट है जहाँ पर हमारा साइलेंसर लगता है, इस टापट को थोड़ा सा हल्का ऊपर नीचे रखना होता है और ऊपर वाले को सिर्फ साइड प्ले रखना होता है। तो मैं दोस्तों इसमें कोई गेज फेज का इस्तेमाल करने वाला नहीं हूँ, इसको थोड़ा सा स्लाइड प्ले कर दूंगा और इसमें थोड़ा सा हल्का सा ऊपर नीचे रख दूंगा। तो चलिए मैं आपको सेट करके भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों वाल्व क्लीयरेंस को सेट करने के लिए आपके पास वाल्व को पकड़ने के लिए ऐसा एक वाल्व का टूल आता है जो आपको मार्केट में आसानी से 100-150 रुपये में मिल जाएगा, ये आपके पास होना चाहिए। और एक रिंग पाना हो या फ्लैट हेड पाना हो आपके पास इस प्रकार का 9 नंबर का एक रिंच होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये ऊपर वाला जो इनलेट का होता है जहाँ पे हमारा कार्बोरेटर लगता है इस वाला वाल्व को सेट करेंगे। तो सबसे पहले इसको ऐसे ही प्रकार से
ओपन कर लेना है, और इसके बाद थोड़ा सा इसको हल्का सा आप कसेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है इसमें थोड़ा सा साइड प्ले होना चाहिए। इस प्रकार को फंसाने के बाद इसको अच्छे से एक हाथ से पकड़ के कस लेना है, और एक बार चेक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसमें साइड प्ले है, और बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया नीचे की तरफ में दोस्तों हल्का सा ऊपर नीचे होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों अभी हम इसमें स्पार्क प्लग को लगा लेते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना सा ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।